बंगाल में ममता के लिए मुस्लिम वोटर संजीवनी की तरह हैं, लेकिन लगता नहीं कि इस बार ममता मुस्लिमों के वोट पर एकाधिकार कायम रख पाएंगी। ओवैसी के बाद बंगाल की राजनीति में आज एक नई पार्टी की एंट्री हुई है, नजर ममता के मुस्लिम वोटों पर है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट बंगाल की राजनीति का ये नया नाम है जिसका आज ही जन्म हुआ है। पश्चिम बंगाल के चर्चित फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने नई पार्टी बनाई है और विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया है। 26 जनवरी को आधिकारिक तौर पर पार्टी की लॉन्चिंग होगी। जो बोल रहे हैं ये बीजेपी को फायदा पहुंच रहे हैं वो कौन बोल रहे हैं? पहले बोलिए कौन बोल रहे हैं। हाँ, ममता की कुछ लोग बोलते हैं जो बीजेपी का फायदा पहुंचेंगे। मेरा एक सवाल है ममता से, बीजेपी तो पहले नहीं थे, बीजेपी आप कैसे आए उसका जवाब पहले दीजिए, बाद में हम जवाब देंगे। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि फुरफुरा शरीफ की बंगाल के मुस्लिमों में अपनी अलग मान्यता है और उसी मान्यता के दम पर चुनावी फायदा उठाने की तैयारी है। माना जाता है कि फुरफुरा शरीफ का प्रभाव 50 विधानसभा सीटों पर हो सकता है। इस वक्त मुसलमानों का वोट ममता बनर्जी को मिलता है। ओवैसी पहले से ही तय कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में स्थानीय मुस्लिम मौलाना की पार्टी से मुस्लिम वोटों को बंटने का खतरा है और मुस्लिम वोट बढ़ता है तो सीधा फायदा बीजेपी को होगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में 27% मुस्लिम आबादी है जिनका 125 सीटों पर प्रभाव है। फिलहाल मौलाना की कोशिश कांग्रेस और लेफ्ट से गठजोड़ करने की है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।